मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू हिंदी सेकेंड पल्लव लेसन टू चिड़िया की चार बातें। तो यह एक कहानी है। इस पाठ में चिड़िया के माध्यम से संकट के समय बुद्धि के प्रयोग को समझाया गया है। जब कभी संकट का समय हो तो उस समय बुद्धि से प्रयोग लेना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम आपको लेसन टू पढ़ाएंगे। राजा प्रताप सिंह के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी। वाटिका मतलब बगीचा था। उसमें अंगूरों की बेल लगी थी। बेल मतलब लता। वहां रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती, मगर अधपके, अधपके मतलब कच्चे और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। जो भी खट्टे अंगूर होते थे उनको नीचे गिरा देती और जो पके अंगूर होते थे उनको खा जाती थी। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की। जो बगीचे का माली था उसने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह हाथ नहीं आई। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। हताश मतलब निराश होकर। एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर राजा प्रताप सिंह को आश्चर्य हुआ। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने जो चिड़िया थी उसको सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन वे वाटिका में छिपकर बैठ गए। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। राजा ने उसको पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगे तो चिड़िया ने कहा, हे राजन मुझे मत मारो। चिड़िया ने क्या कहा? हे राजन मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की चार महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। तो जब राजा चिड़िया को मारने लगे तो चिड़िया ने कहा, हे राजन मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की चार बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, हे राजन सबसे पहले तो हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। उसने ज्ञान की क्या बात बताई? कि हाथ आए शत्रु को कभी भी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो। पहली बात उसने क्या बताई थी? कि हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। दूसरी बात, असंभव बात पर कभी भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह बताई कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। तो जो भी बात बीत गई हो उस पर पश्चाताप मत करो, उस पर पछतावा मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी रहस्यमय है, मुझे जरा ढीला छोड़ दें। चिड़िया ने क्या कहा? यह बात बड़ी रहस्यमय है, मुझे जरा ढीला छोड़ दें, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। किसने कहा? चिड़िया ने राजा से कि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। चिड़िया की बात सुन जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में दो हीरे हैं। चिड़िया ने क्या कहा? मेरे पेट में दो हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। यह सुनकर राजा को बहुत ही पश्चाताप हुआ। राजा की हालत देखकर चिड़िया बोली, हे राजन ज्ञान की बात सुनी
और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता। चिड़िया ने क्या कहा राजा से कि हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। जब हम उसका पालन करें, किसी भी बात का जब हम पालन करते हैं तो उस पर पालन करने से ही उसका लाभ होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी। उसने क्या कहा, मैं आपकी दुश्मन थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही थी कि मेरे पेट में दो हीरे हैं। उसने कौन सी असंभव बात कही थी कि मेरे पेट में दो हीरे हैं, आपने उस पर भी भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए जो उसने कही थी कि मेरे पेट में दो हीरे हैं। तो फिर चिड़िया ने राजा से कहा, आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। उपदेशों को जीवन में उतारे बिना उसका कोई मोल नहीं। जब तक हम उपदेशों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, उसका कोई मोल नहीं होता। तो इस कहानी का जीवन मूल्य क्या है, उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए। जब भी कोई उपदेश सुनते हैं तो उनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उन्हें जीवन में अपनाना चाहिए, तो उसका लाभ तभी मिलता है। तो आज हमने आपको लेसन 2 पढ़ाया है। तो इस कहानी को आप रीडिंग करेंगे। यह कहानी कौन सी थी, लेसन का नाम क्या था? लेसन का नाम था चिड़िया की 4 बातें। चिड़िया की 4 बातें। तो इस कहानी को आपको रीडिंग करनी है। दैट्स ऑल।